मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में सिंगापुर पहुंचा 9 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल। भारतीय दूतावास के आयुक्त ने गर्मजोशी से किया स्वागत। मुख्यमंत्री ने प्रवासी भारतीयों को हरियाणा में निवेश के लिए दिया न्योता। कहा उद्योगों के लिए हर मदद करेगी सरकार। हरियाणा कांग्रेस ने हिसार में आयोजित की जन आक्रोश रैली। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। कहा पूरी तरह से नाकाम साबित हुई बीजेपी सरकार। रेवाड़ी के राजगढ़ गांव की छात्राओं का स्कूल अपग्रेड करने के लिए धरना आज भी जारी। कल राज्य मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने नियम पूरा करने पर स्कूल अपग्रेड करने का दिया भरोसा। ग्रामीणों की जिद। कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह आकर दें आश्वासन। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की आय से अधिक संपत्ति मामले में आज विशेष अदालत में पेशी। वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह बतौर आरोपी हो सकती है पेश। 10 करोड़ की आय से अधिक संपत्ति का चल रहा है केस। रामपुर में लगाया गया हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट। एक साल में 4 लाख यूनिट बिजली पैदा करने का लक्ष्य। आ जाएंगे पंजाब और हरियाणा शिक्षा बोर्ड के 10वीं क्लास के नतीजे। 11 बजे तक आ सकता है रिजल्ट। पंजाब की छात्र पीएससी भी की तो हरियाणा के छात्र बीएसईएच की वेबसाइट पर देख पाएंगे नतीजे। करनाल में रविवार शाम तेज आंधी की वजह से 3 की मौत। कुटेल गांव में नर्सरी में काम कर रही 3 महिलाओं की दीवार गिरने से हुई मौत। 4 लोग हुए घायल। रेवेन्यू सेक्रेटरी हसमुख अढ़िया का बयान। जीएसटी लागू होने से महंगाई में 2% की कमी होने का अनुमान। जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में गोल्ड बीड़ी और बिस्किट जैसे सामान पर तय होंगे टैक्स। अगले हफ्ते होगी बैठक। बीएससी ने 29 मई से 17 कंपनियों की शेयर ट्रेडिंग पर लगाया बैन। नियमों का पालन न करने पर रोक। रविवार शाम पंजाब हरियाणा के कुछ इलाकों में खुशनुमा हुआ मौसम। पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में आज भी बारिश के आसार। मौसम विभाग का अनुमान।